हेलो गाइस, लास्ट वीडियो जो हमारी सीबीएसई क्लास 12th क्वेश्चन पेपर की थी उसमें हमने पूरा सेक्शन स्टडी कर लिया था। अराउंड 20 क्वेश्चन उसमें हमने सॉल्व किए थे पूरे के पूरे। और इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो लेट स्टार्ट विद द 21 क्वेश्चन नंबर 21। हमें बोला है प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स, प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो एक बात देखो आप, मैंने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वीडियो अपलोड करी थी उसमें बताया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो उसको देखते ही, या फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखते ही आपका मन होने चाहिए कि एक्स को मैं क्या पुट कर दूं, एक्स को मैं पुट कर दूं कॉस थीटा, एक्स को मैं कॉस थीटा पुट कर दूं, थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे एक्स को कॉस थीटा पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पे चाहे तो साइन भी कर सकते हैं, बट कॉस करने में ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि बाहर कॉस हो जाएगा एक, अंदर से साइन आ जाएगा, तो कॉस और साइन मिलके क्या बना लेंगे, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। इसलिए वो थोड़ा दूरदर्शी सोचना पड़ता है मैथमेटिक्स में, इंस्टेंट का एकदम देख के नहीं कर सकते आप, थोड़ा दूर से दूरदर्शी देखो थोड़ा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, sin² x हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा, सॉरी sin² थीटा। तो अंडर रूट में है ये, अंडर रूट में है ये ऐसे, ठीक है। तो ये 2 और ये रूट खत्म, तो क्या बचेगा sin थीटा, और x को हमने क्या माना था cos थीटा, तो क्या हो गया 2 cos थीटा sin थीटा। तो cos, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, cos इनवर्स x से। क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि थीटा तो हमने माना है ना भाई, थीटा कोई क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया, थीटा तो हमने लेके आया है, क्वेश्चन तो एक्स के टर्म्स में, तो हमें आंसर भी किस में देना होगा, एक्स के टर्म्स में। तो लो जी हो गया प्रूफ, सिंपल है। चलो और में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। कंसिडर अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इन्होंने बाइजेक्टिव फंक्शन दिया है। बाइजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि भैया बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये बात मैं आपको बता दूं। और आगे भी अभी हम इनवर्टिबल फंक्शन वगैरह स्टडी करेंगे तो उसमें भी बताएंगे, अभी हम रिलेशन फंक्शन जो वीडियोस अपलोड हो रही है उसमें डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो फंक्शन की मैपिंग दी हुई है, और फंक्शन दिया हुआ है 16x² + 24x + 7, ठीक है। आर प्लस क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करो, बहुत गलतियां कर देते हैं लोग क्वेश्चन पढ़ के, पढ़ते नहीं ढंग से, फिर कुछ कुछ कर देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स 16x² + 24x + 7, हमने इस एफ एक्स को y लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं भी अभी, ठीक है। अब हमारा एम क्या है, इनवर्स निकालना, बड़ा सिंपल इनवर्स निकालना। बट उसके लिए हमें देखो 2x है, इसको 1 मिलाना पड़ेगा। तो अपने क्या करते हैं कि इन ऐसा काम करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 जो है अपना, ये जो 24 है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब जो x का कोफिशियंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बचेगा 12 बनेगा ना। 12 का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर सॉरी सॉरी सॉरी, 12 का नहीं करेंगे, गलत बता दिया, जब वो तब करते हैं जब हमारा ये जो 16 है उसका कोफिशियंट क्या हो, जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशियंट 1 हो, तब करते हैं। बट यहाँ पे 16 है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या बन रहा होगा, 4x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये, आप समझ पा रहे हैं, 4x का होल स्क्वायर किया होगा तभी हमें यहाँ पे 16x मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज दी हुई है यहाँ पे 24x, 24x में आपको पता होगा तो क्या होता है 2ab होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा देखो कि a मान लो हमारा 4x है, तो 2 4 8x, 8x हो गया, तो 8x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 24 मिल रहा है, 8 3 मल्टीप्लाई किया, 3 8 24, तो मतलब कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर चाहिए, मतलब प्लस 9 माइनस 9 कर दिया, ठीक है, प्लस 9 माइनस 9 कर दिया। तो उससे क्या हो जाएगा, ये 4x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बाहर -2 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, -2 को y की तरफ भेज दो, y + 2 हो जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर को आप यहाँ से हटाओगे तो, ठीक है। और इस ये 4x + 3 बचेगा, इस 3 को यहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और 4 नीचे भेजो तो क्या, किसके बराबर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस 2 - 3/4, ये आ गया इन्वर्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई झंझट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा कंसेप्ट देगा भी नहीं, बहुत सिंपल पूछता है। लेट अस नाउ हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर हमें एक्स दिया है और वाई
y दिया है और हमसे पूछा है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ क्या होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें निकालने को बोला है और इन्होंने x के टर्म y t के टर्म्स में x और y की वैल्यू दी हुई है हमें। तो बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना। सबसे पहले t के टर्म्स में x को डिफरेंशिएट कर लो और t के टर्म्स में y को डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या आएगा, x को करोगे तो डी एक्स बाय डी टी, डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू 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 ए टी, ठीक है, यही आएगा टी के टर्म्स में करेंगे तो। सिमिलरली अपन अगर वाई को करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, वाई डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू टू ए, ठीक है। अब एक बात देखो, हमें चाहिए क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। और हमें है क्या, हमारे पास t के टर्म्स में है दोनों के दोनों, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले अब जो डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी निकाला है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब कटेंगे तो ये दोनों भी कटेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टी आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब अपन ने क्या निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया जो कि वन अपॉन टी है। अब अपने को इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी अपॉन डी एक्स कहां से आएगा, यहां से आएगा, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस करी और आंसर क्या आ गया, माइनस वन अपॉन टू ए टी क्यूब, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई बड़ी चीज नहीं थी, फोकट के दो नंबर थे यहाँ पे भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एट विच द टेंजेंट लाइन्स आर पैरेलल टू लाइन फोर एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये कर्व है, मान लो मैं एग्जैक्ट कर्व नहीं पता, रफली डिस्कशन कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक कर्व है ये वाला, इसको हमने ये वाई मान लिया, ठीक है, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसके कोई टेंजेंट है, मान लो कोई टेंजेंट है, ये टेंजेंट आ गया, इस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है, एक लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है, उस टेंजेंट के पैरेलल एक लाइन है, इन्होंने ये कहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और वो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि जब ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है तो मतलब इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, मतलब एम होगा दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं अपने पास, इन्होंने लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4x प्लस वाई माइनस थ्री। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, अपन दो तरीके से यहाँ पे अपन इसकी स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास इस कर्व का तो स्लोप है ही नहीं ना, कर्व का स्लोप निकालना है हमें, तो पॉइंट चाहिए होगा, उस पॉइंट का स्लोप जानना है, तभी अगर कोई स्लोप जानना है इस कर्व का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, टेंजेंट का स्लोप होगा, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा होगा, टच कर रहा होगा उस कर्व को, तो वो पॉइंट चाहिए। अब वो पॉइंट तो अपने निकालना ही है, तो इन्होंने ये सेकेंड कंडीशन दी जिससे कि हम उस स्लोप निकाल सके जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करें, यहाँ पे हम क्या यूज करें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज करें, प्लस सी यूज करें, ठीक है। ये करोगे तो इसको और इसको, इस दोनों को कंपेयर करके देखो, कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि m की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस फोर दी है, ठीक है। और दूसरा तरीका भी, एक दूसरा तरीका अपन dy बाई डी एक्स निकाल लें। dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ही तो होता है, टेंजेंट टेंजेंट ही तो होता है dy बाई डी एक्स। तो 4x प्लस वाई माइनस थ्री को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा, तो अपने दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, तो आप जो सा चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, जो ठीक लगे आपको। तो हमें स्लोप पता चल गया, ठीक है। अब इस हमें ये पता चल गया कि इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस फोर, और वही स्लोप किसका होगा, इस कर्व पे एक जो टेंजेंट कट कर रहा है जहां पे वो पैरेलल है इस लाइन के, वो टेंजेंट का भी स्लोप पता चल गया अपने को, माइनस फोर है, ठीक है। अब इस लाइन को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, इस लाइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है। इस लाइन को जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर,
और ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, कुल मिला के आपको ये तो पता है ना, dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दोनों स्लोप बराबर है, उस टेंजेंट का और उस लाइन का स्लोप, तो -4 के बराबर लिख दूं अगर मैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये -4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करो, एक्स की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू इस कर्व में आप पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इन ये दो पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट बन रहा है कर्व पे, और वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के, ठीक है। चलो लेट अस हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एवरी वेक्टर और दिया है हमें, बी वेक्टर भी दिया हुआ है हमें। तो आपको ये बात पता है कि कोई मान लो एक ए वेक्टर है और कोई मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, कोई भी एंगल पे इंक्लाइंड है अपने, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं बोलूँ कि एक वेक्टर निकालो जो इस वेक्टर के और इस वेक्टर, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो वो कैसे निकलता है, ए क्रॉस बी से, ठीक है, ए क्रॉस बी। अगर हम इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो जो वेक्टर आता है, रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालूंगा तो कुछ इस तरह आएगा, मतलब बाहर की तरफ, स्क्रीन की तरफ, आपकी फेस की तरफ निकल के आएगा वो कुछ। अब मैं निकाल तो नहीं सकता, आप समझ रहे हैं ना, मेरे फीलिंग समझ रहे हैं, आइडिया वो पिक्चराइज कर पा रहे थोड़ा बहुत, ये वेक्टर किस तरफ निकल के आ रहा होगा। तो वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों के, ठीक है, ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है, 24i कैप -24j कैप -12k कैप आ गया, ठीक है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती ये कर जाते हैं कि यूनिट को भूल जाते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमें यूनिट वेक्टर पूछा है, यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है वो पूछा है अपन ने से, इन्होंने परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं पूछा। ये क्या आया, परपेंडिकुलर वेक्टर आया। अपने को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, जो ये वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दो, सिंपल है। मैग्नीट्यूड निकालना आता है, 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट में डाल दो और फिर इसको तीनों से डिवाइड कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और में जो क्वेश्चन दिया है इसमें बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। वॉल्यूम निकालनी है पैरेललोपिपेड की, उसकी एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय 2a वेक्टर -b वेक्टर एंड c 3c वेक्टर, ठीक है, वेयर ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस एंड सी वेक्टर इज दिस। यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, गलती समझना बहुत जरूरी है, अक्सर करते हैं बच्चे गलती। यहाँ पे करते ये है कि जो ए वेक्टर है ना, और बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है, इस पे ही ध्यान जाता है, और ये जो पोर्शन है ना, ये 2a वेक्टर -b, इसको भूल जाते हैं अक्सर बच्चे। तो ये चार कंडीशन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो दी हुई है ये वाली, और ये तीन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतने को देखते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो यहाँ पे करना ये है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है इस क्वेश्चन में, कि देखो ये इन्होंने हमें 2a वेक्टर दे दिया, मतलब 2a वेक्टर है उस एडजेसेंट साइड उसकी पैरेललोपिपेड की, -b है और 3c है, abc नहीं है, 2a -b 3c है। मतलब इसमें पहले आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, इसमें -b और इसमें 3। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना, उसको यूज करके आपको वॉल्यूम निकालनी है, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकलेगी, ये बहुत सिंपल है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप खुद करना इसको थोड़ा सॉल्व। a1, ठीक है, a2, a3, ठीक है, सिमिलरली b1 b2 b3, c1 c2 c3, ठीक है, ये हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू पूछी है, सो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बोल रहे दो लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलरिज्म की कंडीशन क्या होती है, a1 a2, ठीक है, समीशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समीशन a1 a2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 शुड बी 0, ठीक है। a1 क्या है, a1 b1 c1 क्या है, dr ऑफ द फर्स्ट लाइन, a2 b2 c2 क्या है, dr ऑफ द सेकंड लाइन। अब इसको अपने को क्या करना है, ऐसी फॉर्म में लेके आना, जो अपनी सिमेट्रिक फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें लिखते हैं अपन, इस फॉर्म में लेके आना है। उसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत फेर बदल है, ज्यादा दी तो पहले से ही इन्होंने, बस हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि अपने को a1 a2 b2 और a1 b1 c1 की वैल्यू पता चल जाए। तो करेंगे जब अपन चेंज,
तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो A1 क्या हो गया 1, A2 क्या हो गया सॉरी B1 क्या हो गया -1, और C1 क्या हो गया माइनस सॉरी 1/k। A2 क्या हो गया 1, B2 क्या हो गया 1/2, और C2 क्या हो गया -1। अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो A1 A2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, बस K में इक्वेशन बनेगी, एक K की वैल्यू मजे से आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए ग्रीन सिग्नल ऑन ए बिजी क्रॉसिंग एक्स इज 30%। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स ऑन टू कंसेक्यूटिव डे आउट ऑफ थ्री। मतलब कि एक रोड है, आप ऐसा समझ लो एक रोड है, ठीक है ऐसे, आप यहां से आ रहे हैं, यहां से, ठीक है, गाड़ी लेते हुए अपनी चलाते हुए मजे से यहां से आ रहे हैं आपको, और आपको जाना है यहाँ, यहाँ आपको ऑफिस है, ठीक है, कॉलेज समझ लो, स्कूल समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, जहां आप जाना चाहते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब आप पहुंचोगे तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलने की संभावना 30% है। संभावना मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल ऑन क्रॉसिंग एक्स इज 30/100, 130% है ना, तो मतलब अपॉन 100 करेंगे तो क्या आ गई 3/10 आ गई। ठीक है, और ना मिलने की ग्रीन सिग्नल क्या हो जाएगा 1 -3/10, मतलब 7/10 आ गई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स ऑन टू कंसेक्यूटिव डे आउट ऑफ थ्री। मतलब कि मान लो कि अपन तीन डेट ले, 1, 2, 3, ठीक है, 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, आप पहले दिन गए ग्रीन सिग्नल मिला, दूसरे दिन पहुंचे तब भी ग्रीन सिग्नल मिला, या फिर आप ऐसा नहीं हुआ तो या फिर पहले दिन गए तो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, दूसरे दिन गए तो ग्रीन सिग्नल मिला, तीसरे दिन गए तो भी ग्रीन सिग्नल मिला। मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकता, 100% श्योर थोड़ी ना है कि जब आप यहाँ पे पहुंचोगे तब तो ग्रीन सिग्नल होगा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने ये पूछा है कि 3 दिन है, 3 दिन जाना है आपको, 3 में से लगातार 2 दिन आपको ग्रीन मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ये पूछा इन्होंने हमसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स ऑन टू कंसेक्यूटिव डे आउट ऑफ थ्री, तो इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, या तो हो सकता है पहले 2 दिन मिल जाए ग्रीन सिग्नल, ठीक है, या तो दूसरे और तीसरे दिन मिल जाए, कंसेक्यूटिव होना जरूरी है ना, यहाँ पे वो कंडीशन थोड़ी ना हो रही है कि भाई 3 में से 2 दिन होने चाहिए, या तो पहले दिन मिले लास्ट के दिन मिले या बीच के 2 दिन मिले, कुछ भी वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ अपने को पूछा है कि कंसेक्यूटिव होने चाहिए, या तो पहले 2 दिन या लास्ट के 2 दिन। ठीक है, तो पहले 2 दिन मान लो हम ये वाला केस लेते हैं, पहले पहले 2 दिन मेरे को ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले दिन मिला 3/10, दूसरे दिन मिला 3/10, और तीसरे दिन नहीं मिलना चाहिए क्योंकि अपने को सिर्फ 2 ही दिन चाहिए, तो 7/10। ठीक है, अपनी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरे और तीसरे दिन होना चाहिए, पहले दिन नहीं मिलना चाहिए, पहले दिन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 7/10, दूसरे दिन मिलने की प्रोबेबिलिटी 3/10, और तीसरे दिन मिलने की 3/10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 63/500। Easy। अब हम पहुंच गए हैं सेक्शन सी में, यहां पे हमारे पास 27 से लेके 32 तक क्वेश्चंस है और ईच कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए 27th क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन। ठीक है, ये रिलेशन बता दिया किस पे डिफाइंड हो रहा है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड हो रहा है, एन क्रॉस एन पे, और इन्होंने बोला है डिफाइंड बाय ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी। ये आर क्या है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी, अगर ए डी इक्वल टू बी सी है तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है और ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, और ये ए बी सी डी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो इन्होंने एक काम तो बढ़िया कर दिया कि आपको ये तो पता चल गया कि ये आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब अपने को बस प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन की क्या क्या कंडीशन थी, 3 कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, इसके अंदर रिलेशन कैसा होना चाहिए, ए कोमा बी आर आर ए कोमा बी, ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। तो क्या हो रहा है, ए डी पे जा रहा है ना, है ना, तो ए जाएगा बी पे, ठीक है, ए बी पे, और बी जा रहा है सी पे, ठीक है, बी जा रहा है सी पे, मतलब बी जाएगा ए पे। तो उस हिसाब से देखो क्या बन रहा है, बी ए, और ये देख सकते हैं ये दोनों चीज तो बराबर है, देयरफॉर ए कोमा बी आर ए कोमा बी दस आर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। अब बात ये आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक के लिए हमने दो कंडीशंस ले ली, ए कोमा बी और सी कोमा डी, जो एन क्रॉस एन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ए इंटू डी होना चाहिए और बी इंटू सी होना चाहिए, ठीक है, ये किया। तो अब इसको देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, कि ये रिवर्सिबल भी होना चाहिए, मतलब कि अगर मैं लिखूं सी कोमा डी, सी कोमा डी आर ए कोमा बी, ठीक है, ये चीज भी हमारे रिलेशन में, रिलेशन का जो सेट बनेगा उसमें बिलोंग करनी चाहिए। तो सी कोमा सी बी होगा, ठीक है, और डी ए होगा, डी ए होगा। तो आप देख लो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों बराबर है, बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये बिलोंग करता है उस सेट में, तो हमारा ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने तीन कंडीशन, तीन ऑर्डर पेयर लिए, ए बी सी डी ई एफ। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर ये दोनों रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, और अगर इन दोनों का रिलेशन सेट में बिलोंग कर रहा है, तो हमें ये दिखाना है कि इसका और इसका, ये दोनों सेट भी, दोनों का रिलेशन भी सेट में बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहले कि हमने ये तो मान लिया कि AD और BC है, AD इक्वल टू BC है, CF इक्वल टू DE है, क्योंकि हमने ये तो माना ही है ना, हमने ये तो माना ही है ना, मैं एक बार बना के दिखा, हमने ये तो माना ही है ना कि ये और ये तो बिलोंग कर रहा है, और ये भी बिलोंग कर रहा है, तो अपन मान के चल रहे हैं, तो ये तो लिख ही सकते हैं अपन, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये इस कंडीशन को और इस कंडीशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए डी सी एफ बी सी डी ई। अब इसमें देखो सी और सी कैंसल, ठीक है, डी और डी कैंसल, क्या मिल गया, ए एफ इक्वल टू बी ई। ए एफ इक्वल टू बी ई का मतलब है कि AF इक्वल टू BE का क्या मतलब है कि जो अपना जो ordered pair ये वाला होगा ना, ये वाला AF और BE ये मिल रहा है ना, तो मतलब ये और ये भी हमारे R में belong करता है, तो transitive हो गई relation और तीनों condition satisfy हो गई, तो क्या हो गया, proof, hence it is a reflexive, sorry, equivalence relation. Let us now have a look over question number 28, जिसमें हमें एक function दिया है y equal to e की power x square cos x plus cos x की power x, और हमें बोला dy by dx निकाल लो भाई, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि भाई e की power x square को तो हम कर सकते हैं differentiate easily, ठीक है, but यहाँ अगर इसको आप देखें तो cos x की power x को, तो यहाँ पे x कहाँ हो गया, power में चला गया, तो हमें यहाँ पे differentiation इतनी easily नहीं कर सकते, अपने को यहाँ पे log यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, cos x की पावर x को u मान लिया, ठीक है, तो अगर हम cos x की पावर x को हमने u मान लिया, तो हमारे पास क्या बच रहा है, u y इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर cos x प्लस u, ठीक है। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, e की पावर x स्क्वायर, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो सिमिलरली e की पावर x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर cos x। अब ऊपर जो ये फंक्शन है ना, इसका करेंगे x स्क्वायर cos x का, x स्क्वायर cos x का क्या होगा, cos x कांस्टेंट रहा पहले, फिर 2x का, x स्क्वायर का होता 2x हो गया, x स्क्वायर बाहर रहा, cos x का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस sin x आ गया, ठीक है, ये तो हो गया। अब u का क्या होगा, du by dx। अब अपने को u तो भाई अपन ने लेट किया है ना,
क्वेश्चन में थोड़ी ना दिया है, अपने को यू की वैल्यू डी यू बाई डी एक्स भी तो निकालना पड़ेगा। अब अपन काम करेंगे डी यू बाई डी एक्स निकालने पे। तो अपन ने यू क्या लिया था, कॉस एक्स की पावर एक्स, तो इसमें काम करो लॉग लो लो दोनों दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग यू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स आएगा। अब क्या करोगे, यू को उधर भेज दो इधर, और यू की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स की पावर एक्स, तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे क्या करो, उसको रिप्लेस कर दो, तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास। ये इजी है भाई, बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को पूछा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने को बोल रहा है सेक क्यूब एक्स को। अपने एक सेक्शन ए में अपन ने देखा था क्वेश्चन, उसके अंदर सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने को बोला था, वो तो बहुत आसान था, क्यों, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते क्या मिलता है, टेन एक्स। बट इस केस में क्या, सेक क्यूब एक्स पूछा है अपने से, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है अपने पास इसके लिए। तो अपन क्या कर रहे हैं कि सेक क्यूब एक्स को अपन सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सेक एक्स को अपन अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये तो पता ही है आपको फॉर्मूला, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये तो आपने, और फिर उसके 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी काफी जगह यूज किया होगा, तो ये होता है, ये आपको पता है बात, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इसको क्यों नहीं किया, इसको कर लेते भाई, इसको करते तो और मजा आता, क्यों भाई, इसको करते तो भाई रूट नहीं बनता, बट इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट फायदा क्या होता भैया, आप ये बताइए। अगर सेक स्क्वायर एक्स को अपन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देते तो ये सेक एक्स तो फिर भी एज इट इज पड़ा रह जाता, अपने को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए अपन ने सेक एक्स को लिखा अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज छोड़ दिया। तो भाई टेन एक्स को अपन अब टी पुट कर सकते हैं, टेन एक्स को टी पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन बाहर बैठा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो इसको इंटीग्रेट किया फॉर्मूले से ये आ जाएगा। अब टी तो अपन ने लेट किया था भाई, टी को रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, टी को वापस अपनी रख दो, जो भी अपन ने टी को क्या लेट किया था, टेन एक्स, तो टी को हर जगह क्या रख दो, टेन एक्स रख दो, सिंपल। लेट अस नाउ हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे हमें फाइंड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाई ई की पावर वाई डी एक्स वाई क्यू प्लस टू एक्स ई की पावर वाई डी वाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें इसको सबसे पहले क्या करना होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फॉर्म होती है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी y इक्वल टू q, जहां पे हमारा p और q क्या है, फंक्शन है x और y का, ठीक है, पी वाई इक्वल टू q, ठीक है, ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट जब करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा ये, तो यहाँ पे p क्या हो गया अपना -2 by y, और q क्या हो गया यहाँ पे y² into e की पावर -y। So, अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने क्या करेंगे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ किसका करते हैं, p टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिए, आप देख ध्यान दीजिए, dx और dy किया इन लोगों ने, dy अपन dx नहीं किया, चीज फिर भी वही रहेगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब अपन dx और dy करेंगे तो कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं होगा, बस यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ dy हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा, बाकी सब सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे dx और dy क्यों किया, क्योंकि आंसर निकालना उस मेथड से आसान होगा, ठीक है। तो देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, क्या आ रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if क्या आ रहा है, 1/y², ठीक है। अब 1/y² को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स टेन वाई बाई एक्स, ठीक है, एट वाई इक्वल टू वाई माइनस फाइव बाई फोर एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिए तो होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, एक्स को लेमडा एक्स से रिप्लेस करो, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करो, आपको लेमडा की पावर एन समथिंग और ब्रैकेट में जो अपना फंक्शन है वो मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा। तो यहाँ मिल रहा है, तो अब लेट वाई इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसमें इसको जो अपनी मेन इक्वेशन है ये वाली, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ये एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। अब वाई की वैल्यू पाई बाई फोर रख दो, एक्स की वैल्यू वन रख दो, आपकी सी की वैल्यू वन बाई रूट टू आ जाएगी और उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो जाएगा आपका। सिंपल था काफी ज्यादा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो थे ही नहीं, बहुत सिंपल है। लेट अस नाउ हैव अ लुक ओवर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देर आर टू बैग्स वन एंड टू, देर आर टू बैग्स, अपन बैग बना लेते हैं वन एंड टू, दो बैग है वन एंड टू, इसका नाम वन इसका नाम टू, ठीक है। बैग वन कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, बैग वन में क्या है, थ्री रेड बॉल्स हैं, ठीक है, थ्री रेड बॉल्स हैं और फाइव ब्लैक बॉल्स हैं, फाइव ब्लैक बॉल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, बैग टू कंटेन्स फोर रेड बॉल एंड थ्री ब्लैक बॉल, बैग टू कंटेन्स फोर रेड एंड थ्री ब्लैक, ये अपने को दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, और फोर रेड, फोर रेड। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर निकालना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड रेंडमली फ्रॉम बैग वन टू बैग टू, हुआ क्या है कि ये बैग वन में से हमने एक बॉल निकाली, कोई भी एक बॉल निकाली, उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब वो ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, हमें नहीं पता, कोई भी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम बैग टू, इफ द बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी ब्लैक इन कलर, एक बैग टू में से, इसमें से हमने एक बॉल निकाली और वो हमारी बॉल निकली ब्लैक कलर की, हमने एक बॉल निकाली वो निकली ब्लैक कलर की। अब ये लोग पूछ रहे हैं देन फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांसफर्ड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, मतलब ये जो बॉल हमने ट्रांसफर करी इसके ब्लैक होने की क्या संभावना है, ये वाली बॉल को ब्लैक होने की क्या संभावना है, ये निकालना है अपने को। तो चलिए करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। एक इवेंट लेते हैं E1, द इवेंट द बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन इज ब्लैक, एक इवेंट मान रहे हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि वो एक ब्लैक बॉल थी जो हमने ट्रांसफर करी। E2 में मान रहे हैं द इवेंट बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग वन इज रेड, द रेड कलर ट्रांसफर हुई, इवेंट एक इवेंट मान रहे हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि ब्लैक बॉल निकली बैग टू से जब अपन ने निकाल ली, ये तो दिया हुआ है ये तो अपने को, ठीक है। और अपने से पूछा क्या इन्होंने कि ब्लैक बॉल निकल रही है, ब्लैक बॉल निकली है अपनी, ब्लैक बॉल निकली है, फर्स्ट ट्रांसफर भी अपनी ब्लैक बॉल ही हुई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये पूछा इन्होंने अपने से, ठीक है। तो चलो अब प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं, इसमें बायस थ्योरम यूज होगी अपनी, ठीक है। तो P(E1) कितना होगा, P(E1) मतलब इस बैग में से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, एट बॉल्स है और ब्लैक कितनी है, फाइव बॉल्स है, तो P(E1) कितना हो जाएगा, फाइव बाई एट हो जाएगा, ठीक है। E2 क्या है, बॉल जो थी अपनी रेड होनी चाहिए, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फाइव बॉल्स एट बॉल्स है और रेड कितनी है, थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री बाई एट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम बोल रहे हैं PA/E1, PA/E1 का क्या मतलब है कि हमने इसमें से इसमें जो बॉल ट्रांसफर करी वो ब्लैक थी, उसके बाद अपनी जो बॉल आ जाए वो ब्लैक आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब हमने इसमें से बॉल ट्रांसफर करी, मान लो ब्लैक हो गई, तो ब्लैक इसके अंदर कितनी हो जाएंगी, इस बैग में चार हो जाएंगी, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, आठ, तो ब्लैक चार हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, फोर बाय एट। और हम A/E2 में क्या निकाल रहे हैं कि हमने इसमें से बॉल ट्रांसफर करी वो रेड थी और रेड हमने ट्रांसफर करी और ब्लैक निकल के आ गई, फिर भी आ सकती है ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कोई भी बॉल आ सकती है, रेंडम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर अब बॉल्स कितनी होगी, एट बॉल्स हो गई,
और रेड कितनी हो गई 5 और ब्लैक कितनी हो गई 3 ही रहेंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/8। तो अपने को पूछा क्या है पी ए वाई इवन बाय ए, अब बस बायस थ्योरम लगा दो, वो तो आती ही है सबको, तो क्या आ जाएगा 20/29। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है अपने को, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल 2 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। ये मतलब एक टोकरी समझ लेते हैं अपन, एक टोकरी है उसके अंदर 5 रेड बॉल्स है, वो रेड कलर से ही बनाते हैं रेड बॉल्स अपन, 5 रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है, 2 व्हाइट बॉल्स है, व्हाइट तो बना नहीं सकते अपन, 2 व्हाइट बॉल्स है ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल्स है, 3 ब्लैक बॉल्स है। ये अपने को कंडीशन दी हुई है कि भाई ऐसा है एक बैग जिसमें ये चीजें हैं। 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1/1 एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने इसमें से 3 बॉल निकाली है रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, वापस नहीं रखी हमने। मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस। ठीक है तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी है, मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है इसका, तो हमें क्या देखना है नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी निकल सकती हैं। एक क्या तो 0 आए, या तो 1 आए या 2 आए, 2 से ज्यादा तो नहीं आ सकती। ठीक है अब अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, सॉरी 0 का देखना है प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 0 व्हाइट बॉल्स होने की। मतलब हमने पहली बॉल निकाली वो इन 8 बॉल्स में से, मतलब 5 और 3 8, इन 8 बॉल में से कुछ आ जाए 8/10। ठीक है उसके बाद एक बॉल कम हो गई, इन 7 में से कोई एक बॉल आ जाए 7/9, सिमिलरली 6/8 सॉल्व किया तो 7/15। ठीक है अब हम कह रहे हैं एक बॉल व्हाइट आए, तो एक बॉल व्हाइट अपन ने 3 ट्रायल किए ना, 1 2 और 3, तो व्हाइट बॉल इसमें भी आ सकती है, इसमें भी आ सकती है, हो सकता है इसमें भी, मतलब हो सकता है इसमें रेड आ जाए, इसमें व्हाइट आ जाए, इसमें ब्लैक आ जाए, या फिर इसमें व्हाइट आ जाए इसमें, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इंटू 3 कर दिया और 8/9 क्या, 8/10 क्या हो गया कि इन में से कोई एक बॉल, ठीक है 7/9 क्या हो गया इनमें से कोई एक बॉल वापस से, और 2/8 कितना हो गया इसमें से कोई एक बॉल। ठीक है तो ये हो गया 7/15। अब हम कह रहे हैं 2 व्हाइट बॉल्स निकले, मतलब दोनों ही आ जाए, या तो ये दोनों हो सकते हैं या तो ये दोनों हो सकते हैं, मतलब ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है इसके भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो पहली चांस में भी मान लो अपने 2 में से 2/10 मतलब 1 व्हाइट बॉल आ गई, 1/9 8/8 मतलब बची कुची 8 बॉलों में से कोई एक बॉल आ जाए, तो 1/15 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 7/15, 7/15 और 1/15। ठीक है सो अब हमें मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को, समेशन एक्स पी एक्स चाहिएगा। सो जब इसमें एक्स पी एक्स करेंगे अपन, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और पी एक्स इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ गया 0, 7/15 और 2/15। तो अब इन दोनों तीनों को एक्स पी एक्स तो निकाल लिया, अब इन तीनों को प्लस कर दो, बस प्लस कर दो आपका आ जाएगा मीन। वेरियंस के लिए क्या चाहिए होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स कर दो और आंसर आ जाएगा 28/75, इन तीनों को प्लस करेंगे जब, तो बहुत सिंपल है। सो इस तरह से अपना सेक्शन सी भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सेक्शन डी अपन लास्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस सारे क्वेश्चन को आप अपने हाथ से ढंग से एक बार जरूर करिएगा, तभी आपको ढंग से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच।